जम्मू में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जम्मू में एक बहुत ही मेजर रोपवे प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। आप देख सकते हैं ये कैबिन्स यहाँ लटक रहे हैं। ये रोपवे प्रोजेक्ट बहुफोर्ट से महामाया और महामाया से पीरखो तक का प्रोजेक्ट था। 75 करोड़ की लागत से ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होना था, लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से आप ये यहाँ पे कैबिन्स लटकते देखते हैं, इसी तरीके से ये प्रोजेक्ट बीच में लटक चुका है। यहाँ पे आज हम पहुँचे हैं, यहाँ पे जो भी कंसर्निंग ऑफिशियल्स होंगे उनसे बात करेंगे और इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट होगा। उसके बाद हमारी कोशिश रहेगी इस इलाके में लोगों से बात करें कि वो क्या सोचते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे। यहाँ पे हमें एक शख्स मिस्टर सौरभ मिले, जिन्होंने बताया कि वो साइट सुपरवाइज़र हैं। उन्होंने हमसे ऑफ द रिकॉर्ड बातें की हैं, लेकिन उन्होंने कैमरे पे आने से इनकार कर दिया। इससे साफ लगता है कि इस प्रोजेक्ट को लेके कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे अभी एडमिनिस्ट्रेशन शेयर नहीं करना चाहती, क्योंकि हो सकता है उनके शेयर करने से ये चीज़ साफ़ हो जाए कि इसमें कितनी डिले है इस प्रोजेक्ट में, और ये भी साफ़ हो जाए कि अभी कितना टाइम लगने वाला है। यहाँ से आगे हम जाएंगे और इस इलाके में लोगों से बात करते हैं। हम तो यही कहना चाहते हैं कि ये 3 साल हो गए हैं कंप्लीट, कहते हैं पेपरों में पढ़ा है कि ये कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अब गवर्नमेंट की पता नहीं क्या इसमें क्या इन्फॉर्मेशन है जिससे ये चालू नहीं हो रहा है। यहाँ पर बहुत सी, कम से कम ये जो सरकारें पहले रह चुकी हैं, इन्होंने 2-3 दफ़ा इस उद्घाटन का टाइम फिक्स किया, वो आए यहाँ पर, लेकिन फिर भी वो चला नहीं सके। पता नहीं क्या बात, क्या कोई डिपार्टमेंट की फॉल्ट है या कि गवर्नमेंट का कोई इसमें अफेयर हो रहा है जिसकी वजह से देने के। हम तो कहना चाहते हैं कि इसे जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए ताकि जहाँ पर यात्री आए और जहाँ रौनक और ज़्यादा बढ़े। हम जाना जहाँ के स्थानीय निवासी हैं, हम सरकार से यही कहते हैं कि ये रोपवे का काम काफ़ी देर से लटक रहा है। कब बोलते हैं अभी शुरू करेंगे, लेकिन काफ़ी देर से ये शुरू नहीं किया। हम सरकार से अपील करते हैं कि जल्दी से जल्दी शुरू हो, जहाँ पर्यटन आए, बाहर के यात्रु आए और हमारी बहुफोर्ट की खूबसूरती को देखें। माता का मंदिर है, जहाँ काली माता का मंदिर है, महामाया मंदिर है, लेकिन काफ़ी देर से ये रोपवे का काम शुरू नहीं हुआ है। हम यही कहना चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी शुरू हो। मैं ये कहना चाहूँगा कि जब रोपवे का प्रोजेक्ट आया तो हमें लगा था कि थोड़ा हमारे एरिया का थोड़ा एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन ये प्रोजेक्ट धीरे धीरे डिले होता जा रहा है। लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया कि यहाँ एम्प्लॉयमेंट होगा, लेकिन डिले होता जा रहा है। मैं कहना चाहूँगा मतलब जल्दी जल्दी से ये सब ठीक हो पाए ताकि एम्प्लॉयमेंट बढ़े। नया वहाँ पत्नीटॉप में भी खुला तो वहाँ पर टूरिज़्म को बहुत फ़ायदा हो रहा है, तो वैसे ही यहाँ पर बहुफोर्ट में भी फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ पर टूरिज़्म का कुछ ही जगहें हैं। बस यही अपील करना चाहूँगा कि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें जो यहाँ पर चल रही हैं, और जल्द से जल्द इस इशू को ख़त्म करें और रोपवे को स्टार्ट करें। रोपवे ये काम शुरू हुआ था लेकिन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। ये जल्दी से जल्दी चलना चाहिए, इससे हमारे बहुफोर्ट की थोड़ी डेवलपमेंट में फ़र्क पड़ जाएगा, इससे आगे से जल्दी चलेगी। तो हाँ, ये अभी 2 साल डिले हो गए हैं इसके, ये बोल रहे थे कि इसी साल चलना है लेकिन नहीं चला है। हाँ, इस चलने से टूरिज्म आएगा इधर, हमें फ़ायदा होगा, दुकानदारों को इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। हमें सरकार को मैं यही कहना चाहता हूँ कि इसको जल्द से जल्द शुरू किया जाए। सो यू हर्ड ऑल ऑफ द पीपल, दे ऑल अपीयर टू बी वेरी कंसर्न्ड अबाउट द डिले ऑफ दिस प्रोजेक्ट। वी होप द गवर्नमेंट लिसन्स टू द डिमांड ऑफ द पीपल एंड मेक्स दिस रोपवे फंक्शनल वेरी सून।